हेलो अल्लाइक वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू डोंट नो मी माई एंड वेलकम टू माय चैनल इफ़ यू न्यू हियर सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेन ऑन द नोटिफिक वेल ताकि आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सो आई नो वाइटाम सी की वीडियो आनी थी सीरम्स की बट आई थॉट कि ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और अभी वैसे भी रोजे चल रहे फर्स्ट ऑफ आल रमजानो बार आई होप आप सब लोगों के रोजे बहुत बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आई जस्ट वॉन्टेड टू फिल्म दिस वीडियो फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ठीक है बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है और यू नो फिर बाद में एडिटिंग इन ऑल ऑफ देट भी उसमें टाइम लग जाता है तो आई नो मैट बेट लेट बट मैंने कहा चलो अपलोड कर लेते हैं अभी भी, भी काफ़ी रोजे पड़े हुए सो लेट जस अपलोड दिस वीडियो आई थिंक दिस वीडियो इज़ सो इन्फॉर्मेटिव सो यू हैव टू वॉच द होल वीडियो ठीक है और डोंट वरी वाइटमेंट सी की सी एम्स की जो हम रिव्यूज़ की वीडियो वो इससे नेक्स्ट हुई है इनशाला बस रोजे यू नो थोड़ा सा इंसान सुस्त हो जाता है जैसी मस्जिद से तरावियाँ पढ़ के आते हैं ना वो एक हालत इतनी डाउन हो जाती है लिटरली क्या बताएं तो बस फिर उठने का दिल ही नहीं करता तो बस यही सूत हाल है तो इसलिए आई लिटिल बिट लेट ये वाली वीडियो अपलोड करने से बट बट चले, लेट्स नॉट वेस्ट एनी अदर टाइम और वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं ऑब्वियसली यू नो बहुत 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 स्वभाव है वो तो एक साइड पे है ही है ठीक है बट इसके अलावा हमारी स्किन के हमारे स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए इसके लिए क्या फ़ायदे हैं रोजे से सो so, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे अब कुछ लोगों के माइंड में ये होता है ना कि रोज़ा है कुछ खा नहीं रहे कुछ पी नहीं रहे तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी मतलब बॉडी वैसे एक्टिव नहीं रहती है सुस्ती छा जाती है ठीक है लेकिन इट्स वेरी ग्रेट टू नो कि अल्लाह पाक ने जैसे हम रोजा रखते हैं अल्लाह पाक के लिए तो उतनी सवाब है इसके अलावा भी अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के लिए और वैसे जनरली रोज़ा रखने के इतने फ़ायदे रखे हैं विच इज़ लाइक अनबिलीवेबल कि स्वब के साथ ही साथ आप पूरा दिन कुछ खाते भी नहीं हो पीते भी नहीं हो फिर भी आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो उन बेनिफिट्स के बारे में आज बात करेंगे ठीक है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हमें रोज़ा रखने से मिलते हैं ठीक है आप लोग आप लोग ये देखो कि कितनी अच्छी फीलिंग है कि एक तो आप अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे उसके अलावा आप लोगों को इतने फ़ायदे मिल रहे हैं ठीक है तो ना जहाँ हम कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे ठीक है फर्स्ट मेन पॉइंट यू हैव टू फॉलो इस कि जो आप लोग सैरी करोगे ना नफ्तारी करोगे वो बहुत मैटर करती है ठीक है सो आई विल ऑलवेज़ ऑलवेज रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा जंक फूड ऑयली चीज़ें इनकी तरफ ना प्रेफर करें स्पेशली सैरी में जो सैरी में खाएँगे आपके थ्रू आउट द डे आपको वही फूड यू नो चलेगा ठीक तो sure है तो मेक श्योर आप हेल्दी फूड खाएं ठीक है यू कैन डू कीटो डाइट ठीक कीटो डाइट में कीटॉन्स होते हैं आर एंटी माइक्रोबल ठीक है इसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है और जनरली और वैसे भी अगर आप लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आप लोग को वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करते हैं और जनरली वैसे कीटो डाइट फॉलो करना इज़ अ वेरी वेरी गुड और एक बड़ी आप लोगों की हेल्दी रूटीन हो जाती है यू नो ठीक है इससे आप लोगों को स्किन में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी ठीक है और वैसे यू आर ईटिंग यू नो हेल्दी फूड इंस्टेट ऑफ द जंक फूड उससे आप लोगों को एक्नी का बहुत इशू होगा जस्ट ट्रस्ट मी एक्नी का उससे आप लोगों को बहुत इशू होगा जो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग शहरी अफ्तारी में ये ज़्यादा ऑयली ग्रीसी और इस टाइप की चीज़ें ना खाएँ ठीक है ईट हेल्दी फूड्स ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है फास्टिंग रिड्यूस साइकोटॉन्स ठीक है अब साइकोटॉन्स डिफरेंट टाइप के साइकोटॉन्स scy होते हैं साइकोटॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में नो मुझसे वर्ड प्रोनाउंस गलत हो जाते हैं और बाद में कमेंट्स में लोग होते हैं ये इस तरह ना इस तरह बोल रहे हैं सो यू नो यू गेट द पॉइंट ठीक है तो साइकोटोन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं ठीक है और एक सर्टेन साइकोटोन्स uh, होते हैं जो इन्फ्लोमेशन प्रोवाइड uh, uh, करते हैं ठीक है स्किन में ठीक है इन्फ्लोमेशन होती है साइकोटोन से ठीक है तो ये उन फास्टिंग करने से रोजा रखने से वो साइकोटोन्स खत्म हो जाते हैं रिड्यूज so, हो जाते हैं ठीक है सो इट्स इट्स अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट आप लोग देखते हो आप लोग देखते हो कि एक्नी में भी आपको इन्फ्लोमेशन हुई होती है तो वो साइकोटोन्स फास्टिंग से काफी हद तक रिड्यूज हो जाते हैं ठीक है तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट रोजा रखने से हमारी बॉडी में स्टिमुलेट्स होते हैं ठीक है माइक्रोफेज अब क्या चीज होती है ठीक like uh, तो like है इट्स लाइक अ इजी वर्ड में बताना चाहूँ तो इट्स लाइक अ लार्ज सेल ठीक है लार्ज सेल वो वो को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वायरसेस और माइक्रोब्स से ठीक है माइक्रोब्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं ठीक है तो बुरे माइक्रोब से आपको प्रोटेक्ट करता है इट्स ऑलमोस्ट यू नो लाइक अ शील्ड ठीक है मतलब इट्स लाइक अ डेडली किलर जो जो भी बुरे वायरसेस बैक्टीरिया और इस टाइप की चीज़ें हैं उनको रिमूव करता है सो इट्स अ वेरी 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 गुड एंड प्लस पॉइंट ठीक है रोज़ा रखने से आपको ये इतनी अच्छी और आप लोगों को प्लस पॉइंट मिल रहा है तो जितने माइक्रोफेजेस ठीक है उतना आप लोगों का बेटर इम्यून सिस्टम ठीक है सो जस्ट थिंक कितने बेनिफिट्स है ठीक है एंड जस्ट वेट अभी और भी बहुत बेनिफिट्स है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अच्छा नाउ द थर्ड पॉइंट रोजा रोजा रखने से हमारी बॉडी में माइक्रो बायोम भी की जो क्वांटिटी होती, होती है वो भी इंक्रीज होती है ठीक है जैसे मैंने बताया माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अच्छे होते हैं बुरे होते हैं ये अच्छे माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है आप लोगों की बॉडी में ठीक है इससे भी आप लोगों को बेटर इम्यून सिस्टम मिलता है एंड जस्ट अल्लाह पाक की कुदरत देखो आप लोग के मतलब ये ऐसे माइक्रोब्स हैं कि जितनी देर रहेंगे बॉडी में ठीक है ये उतना अच्छा काम करेंगे जस्ट इमेजिन जितनी देर तक आप भूखा या प्यासा रह रहे हो ये उतना अच्छा काम कर रहे हैं सो इट जस्ट इनक्रेडिबल यू नो देन रोजा रखने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है ठीक है so, सो ये डिक्रीज करने से क्या होता है ये डिक्रीज करने से लेस फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं ठीक है ठीके? जो हमारे सेल्स को अटैक करते हैं ठीक है ठीके? तो वो बहुत कम पैदा होते हैं ठीक है सो अगेन अ वेरी गुड प्लस पॉइंट यू नो हमारी बॉडी बिल्कुल और और अच्छी हो रही है ठीक है रोज़ा रखने के लिए सो यू नो अगेन वन मोर प्लस पॉइंट और इसी के साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो एंटाईक्सीडेंट्स होते हैं वो और बैठ जाते हैं ठीक है सो यू नो मोर एंटाईक्सीडेंट्स इज लाइक मोर प्लस पॉइंट ठीक है सो जस्ट इमेजिन कि और कितने आप लोगों को रोज़ा रखने के बेनिफिट्स मिल रहे हैं सब आपसे हट के ठीक है वन मोर वेरी यू नो अच्छी एक चीज़ रोजा रखने से ही हमारी बॉडी अलाउ करती है जो ओल्ड डैमेज पार्ट्स या माइक्रोब्स होते हैं ठीक है जो मतलब ऐसे माइक्रोब्स के वो फास्टिंग से मतलब ख़त्म होते हैं ठीक है जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं वो ख़त्म करती है ओल्ड डैमेज पार्ट्स को और माइक्रोब्स को ठीक है एंड मेक रूम फॉर द न्यू माइक्रोब्स ठीक है सो जस्ट इमेजिन यू नो यू आर गेटिंग मच 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 बेटर इम्यून सिस्टम ठीक है और वो जो पुराने ये जो होते हैं ना पार्ट्स या माइक्रोब्स ये सालों तक भी रह सकते हैं आप लोगों की बॉडी में ठीक है सो जस्ट इमेजिन कि रोज़ा रखने से आप लोगों को कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं बट जस्ट यही एक आप लोगों ने चीज़ ध्यान में रखनी है अच्छी डाइट रखनी है आप लोगों ने ठीक है सैरी में अच्छी अच्छी, अच्छी आप लोगों ने डाइट रखनी है और रफ्तारी में भी ठीक है ज़्यादा ऑयली इस्पेशली प्लीज़ मेरी भी ये आदत थी ठीक है अब तो मैंने छोड़ दिया है ठीक है बट आई वॉज़ टू फास्ट फूड लाइक बहुत ज़्यादा ठीक है पिछले रोज़ों में मैं क्या करता था सैरी में केफ सी मिकडॉनल्ड्स के एफ़ सी मिकडॉनल्ड्स इस्पेली के एफ़ सी की तो टेंगी विंग्स तो मैं मतलब ना यू नो डेली ठीक है तो डेट डिस्ट्रॉयड माई स्किन टेक और इट्स नॉट गुड फॉर यू हेल्थ एज वेल ठीक है सो मेक श्योर आप लोग हेल्थी खाएँ और आई होप आप सब लोगों के रोज़े बहुत 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 अच्छे जा रहे होंगे आई होप आप लोगों लोग वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ठीक है एंड एज ऑलवेज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल बहुत अच्छी आप लोगों को स्किन केयर से रिलेटेड आप लोगों को कॉन्टैक्ट मिल जाता है ठीक है सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब और व्लॉगिंग भी करता हूँ मैं ठीक है कभी कभी तो ठीक है सो मेक श्योर टू प्लीज़ सब्सक्राइब ठीक है और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ठीक है आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो take care of the office everyone bye bye